वेलकम माय यूट्यूब चैनल रोफिस क्लासेस रन बाय रोहित कुमार राजपूत। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कनेक्टेड थ्योरी के अंतर्गत एक चैप्टर, हमने आइडियल गैस से एक टॉपिक लिया है ग्राहम ला का हम अध्ययन करेंगे और इसका अनुगति सिद्धांत द्वारा बहुत ही शॉर्ट मेथड में इसका निगमन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमारे पास ट्रैक भी है जो बीएससी सेकंड ईयर और व्यू जहाँ से बहुत आता है, इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है और कंप्लीट एग्जाम में इससे संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो कहीं भी क्वेश्चन बहुत उठते हैं ग्राम ला, तो जीपी जी फोर होता है ग्राम, क्या होता है ग्राम, और पी मन प्रेशर। जो ग्राम ला में क्या नियत रहता है, प्रेशर जो आगे वाला होता है वो उस चीज का नियम होता है, जो पीछे होता है वो इस नियम में क्या रहती है, कांस्टेंट नियत रहती है। तो इसमें क्या नियत रखना है, नियत दाब पर, ठीक है। जो ग्राम ने बताया जो किसी गैस की जो विषम दर होती है ना उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो क्या नियत दाब पर, नियत दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। लेकिन हमने नियम बताया था कि नियत दाब पर किसी भी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल की कैसी होती है, समानुपाती होती है। हम इसका निगमन करेंगे, ट्रक से जाना जीपी, क्या इसमें कांस्टेंट रखना है प्रेशर पी। इसका अनुगति सिद्धांत द्वारा शॉर्ट मेथड में हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो अनुगति सिद्धांत के आधार पर, अनुगति सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैस का दाब क्या होता है, हमने बायल ला दिया, चार्ल्स ला दिया और दाब का नियम किया, सब आदर्श गैस का दाब का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हम अनुगति सिद्धांत के आधार पर उनका निगमन कर रहे हैं ना। तो आदर्श गैस का दाब आप जानते हो क्या होता है, वो कॉमन जनरली है, ठीक। इस प्रकार से पी दाब है और बी क्या है, आयतन है, बी एस का उनका वर्गमात्र बेग है। हमें निगमन करना है क्या, किस जो विसरण दर है उसके घनत्व के वर्गमूल की क्या होती है, समानुपाती होती है। बस कैंची गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा, थ्री पी बी बटे में एक बटे तीन एम एन बी स्क्वायर बार। जो एम एन है ना, गैस का अणुभार कैपिटल एम होता है, स्मॉल एम एक अणु का द्रव्यमान है और स्मॉल एन गैस में अणुओं की संख्या है। तो कैपिटल एम जो होता है ना, कैपिटल एम बराबर में होता है स्मॉल एम इनटू में एन, जो अणुभार बराबर एक अणु का द्रव्यमान गुणे अणुओं की संख्या, इसकी जगह क्या लिख देंगे कैपिटल एम। तो थ्री पी बी बराबर आ जाएगा कैपिटल एम बी स्क्वायर बार, ये बटे में भेज देंगे एम तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बार बराबर में थ्री पी बी अपॉन में एम, इस प्रकार से, ठीक है। हमने फॉर्मूला भी तो पढ़ के आए हैं, शायद आपको ध्यान हो गया, आपको घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, ये वही तो लिखा है, बटे में भेज दो बी, ठीक है। या ऐसा नहीं करना है तो आपने ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणे घनत्व, इस द्रव्यमान की जगह बी इंटू रो रख देंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा रो, तो बी स्क्वायर बार बराबर में थ्री बी अपॉन में क्या आ जाएगा रो, ठीक है। तो इस गैलू साथ ग्राम में क्या बताया, गैल जो ग्राम के नियम में क्या नियत रहता है, प्रेशर दाब, दाब नियत रहता है, ठीक है। इस दाब को नियत कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बार है वो किसके, वन बटे रो के, ठीक है। हमने जे भी तो एक बताया था जो अणु का वर्गमात्र वेग होता है किसके, अणु के वर्गमात्र मूल वेग के कैसे होता है, ठीक है। अगर जैसे एक हमने संबंध बताया था आपको, अणुओं का जो वर्गमात्र मूल वेग होता है अणुओं के वर्गमात्र वेग के वर्गमूल के बराबर होता है ना, बस इस चीज की जगह मान रख दो तो बी आर एम एस बराबर में कितना आ जाएगा अंडर रूट में थ्री पी अपॉन में रो। ग्राम के नियम में प्रेशर नियत रहता है तो बी आर एम एस बराबर में क्या आ जाएगा वन बटे
अंडर रूट रो। तो यही तो ग्राम का नियम होता है, स्थिर दाब पर किसी गैस की विसरण दर, ये विसरण दर ऐसे बोला जाता है ठीक है, किसके उसके घनत्व के वर्गमूल के, घनत्व के वर्गमूल की कैसे है व्युत्क्रमानुपात। एक बार दोबारा, ग्राम जीपी, जी फोर ग्राम, पी फोर प्रेशर। ग्राम के नियम में क्या नियत रहेगा, प्रेशर। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आदर्श गैस का दाब का फॉर्मूला लगाया, कैपिटल एम बराबर एम टू एन होता, मान रख दिया, इसका गुणा करा दिया, बटे में एम लिख दिया कोई देख के। कैपिटल एम बराबर होता है जी, कैपिटल एम क्या आयतन गुणे घनत्व होता है, इसी को हम बनाना चाहे तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में क्या आयतन, मान रख दिया थ्री पी अपॉन रो। इस जो अणु का वर्गमान वेग है वो उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन हम विसरण दर निकालना है तो हम एक संबंध इससे पहले वाले वीडियो में निगमन कर चुके हैं, आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, आप देख भी सकते हैं। बी आर एम एस बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर बार, बस मान रख दिया बी स्क्वायर बार का रहस्य ठीक, तो अंडर रूट थ्री पी अपॉन रूट। ग्राम के नियम में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है तो बी आर एम एस समान क्या व्युत्क्रमानुपाती इतना अंडर रूट वन अपॉन रूट। तो वही तो है, विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बी आर एम एस व्युत्क्रमानुपाती अंडर रूट में क्या रो, ये रो घनत्व है, बी आर एम एस विसरण दर है, से अणु क्या बोलते हैं वर्गमान मूल वेग, मूल वेग भी बोलते हैं ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्राम ला जरूर समझ में आया होगा, कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।